जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा जो स्टैंड है उसकी जो चौड़ाई है वो 27 यानी कि 27 इंच है, और जो उसकी लंबाई है लेंथ है वो 40 है, 41 भी रख सकते हैं आप। और जो ये पेंसिल देख रहे हैं वो 10B है, इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चलती है, इससे बहुत बढ़िया ड्रॉ होता है जो आप सूट पर जो भी डिज़ाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। और अगर हमने पहले ही ड्रॉ किया हुआ हो तो हमारा जो ड्राइंग है डिज़ाइन है वो प्रॉपर बन जाता है और अच्छी तरह से हम पेंटिंग कर सकते हैं। उससे हमें जो ड्रॉ किया है उससे बाहर की तरफ कलर नहीं जाता, उसके बीच बीच में ही हम डिज़ाइन को अच्छी तरह से पेंट कर सकते हैं। और अब हम आपको पत्तियां बनानी बताएंगी। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने सैफ्रन के साथ वाइट कलर लेके पत्ते की शेडिंग की है, और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी पत्ते की शेडिंग इसी तरह से की है, और जो पत्ते की आउटलाइन है वो भी हम सैफ्रन के साथ ही करेंगे, और जो बीच में हमने रेशे डालने हैं पत्ती के वो भी हम सैफ्रन के साथ ही करेंगे। अगर आपकी पत्ती डार्क हो तो आप लाइट कलर का यानी कि पास्ता कलर का आप जो है डिज़ाइन में वो रेशे बना सकते हैं। जैसे हमने ये थोड़ा सा लाइट लिया था, इसी तरह से हम दूसरी तरफ करेंगे, और आउटलाइन भी हम सैफ्रन के साथ ही कर देंगे। और अब हम आपको फूल बनाना बताएंगे। जो छोटी पत्तियां हैं वो हमने सैफ्रन और जो हमारा वो ऑकर येलो होता है वो कलर लेके हमने पत्ती में शेडिंग की है, और इसी तरह से हम फूल की पत्तियां भी बनाएंगे। ये हमने 3 कलर लिए हैं, एक तो और कोरल रेड है और एक वाइट, और एक कलर जो है उससे भी थोड़ा लाइट होता है कोरल रेड से, सैल्मॉन पिंक वो कलर लेके हमने इसकी शेडिंग की है, और सारी पत्तियां हम इसी तरह से बनाएंगे। इसी तरह से हमने सारी जो पत्तियां हैं दूसरी साइड वाली भी वाइट कलर बाहर की तरफ लगा के इसकी शेडिंग की है। और आप अगर कलर में मीडियम डालना चाहें तो आप मीडियम भी डाल सकते हैं, और अगर आप मीडियम नहीं डालना चाहते तो आप पानी से भी कलर को थोड़ा पतला कर सकते हैं। पर इस बात का ख्याल रखना है आपने कि कलर जो है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पतला कलर होगा तो आपके सूट पर वो कलर फैल सकता है पानी की ज़्यादा मात्रा की वजह से। और इसी तरह से हमने सारे पार्ट जो है वो अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेने हैं। पेंसिल के साथ हम ड्रॉ इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे फूल के पार्ट हैं वो हमें अच्छी तरह से समझ आ सके और हम सभी पार्टों को अलग-अलग बना सकें, क्योंकि अगर हम सीधा ही कर देंगे तो वो कई बार दिमाग में नहीं आता कि कहाँ से कौन सी पत्ती हमने कैसे बनानी है, इसलिए हमने पेंसिल से ड्रॉ करना ही ज़्यादा ज़रूरी समझा है ताकि जो नए हैं वो भी इसी तरह से करें और अच्छी तरह से पेंटिंग कर सकें। जो छोटी पत्तियाँ देख रहे हैं आप ग्रीन कलर की, उसमें हमने ऑकर येलो और सैफ्रन कलर लिया है और उसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करके शेडिंग कर दी है। इसी तरह से हम जो फूल की पत्तियां हैं वो भी सारी अच्छी तरह से बना लेंगे। बीच वाली साइड हमने जो है वो डार्क कलर ही रखना है, और इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कौन कौन से कलर हमने इसमें यूज़ किए हैं, और हम फेविक्रिल के ही कलर सॉफ्ट वाले यूज़ करते हैं।
अगर आप फेविक्रिल के दूसरे कलर यूज करेंगे जो बड़ी पैकिंग में आते हैं एक्रेलिक कलर, तो आपका जो कपड़ा है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, उसमें जो आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक्रेलिक कलर है इसलिए वो कपड़े पे नहीं अच्छी तरह से चलते। जो सॉफ्ट कलर है वो ही अच्छी तरह से कपड़े को जो है सॉफ्ट पेंटिंग करते हैं। और आपने जो ब्रश है वो अगर छोटी पत्तियों पे आप छोटा ब्रश लेना चाहते हैं तो आप 1 या 2 नंबर ब्रश ले सकते हैं, और इस तरह से हमने सारे पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। और अंदर वाली तरफ है जो वो रेड कलर ही रखेंगे हम फूल के पार्ट, जो बीच वाला पार्ट है, और उसके ऊपर जो है वो हमने वाइट के साथ गोल्डन येलो लेके हल्का लाइट कलर क्रीम कलर बनाया है, वो हम रेड कलर की जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें रखेंगे। और इसी तरह से हमने सारी जो है पार्ट वो कंप्लीट कर लेने हैं। और बीच वाले पार्ट भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम, चाहे आप 0 नंबर ब्रश ले लें या 1 नंबर ब्रश के साथ भी आप बीच वाले पार्ट अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो हमने स्टैंड दिखाया था वो आप जहाँ से आप कूलर का स्टैंड बनवाते हैं वहाँ से आप बनवा सकते हैं, और उसको जो बनाते हैं स्टैंड उसको कहें कि आप अच्छी तरह से फिनिशिंग से डिज़ाइन बनाएं और उसमें कोई भी लोहे का पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ जोड़ में उसके कोई भी ऐसी चीज़ नुकीली नहीं होनी चाहिए लोहे की जो आपके कपड़े को यानी कि ख़राब कर दे या फट जाए उससे। इस तरह से आपने उनको कहना है कि अच्छी तरह से जोड़ों को और जो है उसको कोई भी पार्ट उसे अच्छी तरह से फिनिशिंग्स के साथ बनाएं। इस तरह से हमने सारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लेना है, और बाहर की जो आउटलाइन है वो हमने वाइट कलर से ही कर लेनी है, क्योंकि हमने बाहर वाली साइड जो है वाइट कलर ही लगाया था। इसी तरह से हमने जो दूसरे फूल हैं उनकी भी आउटलाइन करनी है और पार्ट बनाकर। अगर आपको लगे कि आपको बड़े ब्रश से ज़्यादा सफाई नहीं आती तो आप छोटे ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं, जैसे 2 या 3 नंबर ब्रश से भी कर सकते हैं। बस वैसे तो आपके जो है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आप ब्रश लें, जितना बड़ा डिज़ाइन हो उससे उसके हिसाब से ही आप ब्रश का जो साइज़ है वो देखकर ही लगाएं। कई सब्सक्राइबर या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछ लेते हैं कि आपने कौन सा ब्रश यूज़ किया है, तो हम बताते हैं कि हम सारे ब्रश ही थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं, जहाँ पर पार्ट छोटा होता है तो वहाँ पर हम छोटा ब्रश भी यूज़ कर लेते हैं। और इसी तरह से सारी आउटलाइन कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से हमने कलियाँ बनानी हैं जो हमने पिछली वीडियो में बनानी बताई थी, आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। और इसी तरह से हमने जो छोटे फ्लावर है वो भी एक साइड वाइट कलर लगा के घुमा के बना देने हैं, और इसकी आउटलाइन वाइट से ही कर देनी है फूलों की। और बीच में जो बूर है वो भी हम जो हमने लाइट कलर बनाया था गोल्डन येलो और वाइट से, उससे ही इनकी जो बीच वाले पार्ट है उसकी उसमें बूर भर देना है। और डेकोरेशन के लिए आप उससे यानी कि डिज़ाइन अच्छा लगे तो हमने
जो ग्रास होता है उस टाइप की, छोटी छोटी पत्तियां भी फूल के इर्द गिर्द निकाली हुई हैं, वो भी आप 000 से या 1 नंबर ब्रश से कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रश है वो जो या तो नया ही हो या फिर वो ख़राब ना हुआ हो, यानी कि उसकी जो बाल हैं वो बिखरे हुए ना हों, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो सारा कंप्लीट हो जाता है।